हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कल नैना। आज हम लोग जानेंगे झांसी के प्रसिद्ध किले के बारे में, जिसका इतिहास क्या है, लक्ष्मीबाई की जानकारी, झांसी किले की संरचना और इससे जुड़ी बातें, झांसी किले के अंदर, झांसी किले में लाइट एंड साउंड शो, झांसी किले की एंट्री फी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप आगे वीडियो कौन सा देखना चाहेंगे झांसी के बारे में। है सन 1613 में झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने करवाया था। यह किला एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और झांसी शहर बसा हुआ है। झांसी का किला सन 1857 की क्रांति के दौरान से एक माना जाता है, जो संग्रहालय के साथ साथ बुंदेलखंड की कलाकृति और मूर्ति कलाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है। सबसे ज्यादा इस किले को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। जून 1898 29 वर्ष की उम्र में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो चलिए झांसी का किला इतिहास आपको बताते हैं। 1728 में मोहम्मद खान वंकस ने महाराज छत्रसाल को पराजित करने के इरादे से उन पर हमला किया। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव की सहायता मुगल सेना को पराजित करने के लिए की। इसी का आभार प्रकट करने के लिए महाराज छत्रसाल ने निशाने के रूप में अपने राज्य का एक हिस्सा पेश किया। सन 1766 से विश्वास राव लक्ष्मण ने झांसी के सूबेदार के रूप में काम किया। इसके बाद रघुनाथ राव नेवलकर द्वितीय को झांसी का सूबेदार नियुक्त किया। रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। राव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव के हाथों में झांसी की सत्ता आ गई। उनका कार्यकाल 1835 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। उनके उत्तराधिकारी रघुनाथ राव तृतीय थे, जिनकी मृत्यु सन 1838 में हो गई। उनके अक्षम प्रशासन ने झांसी को बहुत खराब वित्तीय स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। सन 1842 में राजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका मनु से शादी की, जो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। क्षेत्र में खड़े झांसी के किले से पता चलता है कि किले का निर्माण की उत्तर भारतीय शैली और दक्षिण भारतीय शैली से कैसे भिन्न है। इस किले की ग्रेनाइट दीवारें 16 से 20 फिट मोटी है और दक्षिण की तरफ शहर की दीवारों से मिलती हैं। किले का दक्षिण भाग लगभग लंबवत है। किले में उल्लेखनीय और दर्शनीय जगह शिव मंदिर, प्रवेश द्वार पर गणेश मंदिर और 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की जाने वाली कड़क बिजली तोप है। किले के पास में ही रानी महल है, जिसे 19वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था और वर्तमान में यह एक पुरातात्विक संग्रहालय है। यह किला 15 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। यह किला भारत के सबसे भव्य और ऊंचे किलों में से एक है। यह किला पहाड़ियों पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 285 मीटर है। किला भारत के सबसे अद्भुत किलों में से एक है, क्योंकि इस किले के अधिकतर भागों का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है। आ चुके हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ घूमने के लिए कुछ शुल्क अदा करनी होती है, जिसकी जानकारी हम आपको देते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए ₹25 प्रति व्यक्ति और विदेशी नागरिकों के लिए ₹300 प्रति व्यक्ति लगता है। इसी गृह में देशद्रोही को सजा दी जाती थी, जो गंगाधर के समय प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग रानी ने बंद करवा दिया था। स्नान स्थल कड़क बिजली तोप पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। किले के सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज आज तिरंगा लहरा रहा है। किले से शहर का भव्य नज़ारा दिखाई देता है। यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। पुराने झांसी के किले में महारानी लक्ष्मीबाई के पूर्वजों ने गणेश मंदिर की स्थापना करवाई थी। तभी से बुंदेलखंड में पहली पूजा की परंपरा इसी मंदिर से चली आ रही है।
महाराज गंगाधर राव से शादी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई रोजाना सुबह सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा करने आती थी। मंदिर की मान्यता यह बताती है जानकी शरण वर्मा के द्वारा कि इस मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई पूजन किया करती थी। गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले किले के इस मंदिर में गजानन की पूजा की जाती थी। इसके बाद जिले के लोग अपने घरों में गणेश जी को स्थापित करते थे। इस परंपरा को आज भी झांसी में लोग निभाते आ रहे हैं। बताया जाता है कि इस गणेश मंदिर की स्थापना सूबेदार रघुनाथ राव ने की थी। वह एक कुशल शासक के रूप में जाने जाते थे। हालांकि किले पर मराठों का कब्जा रहा है। बंगस को हराने के बाद ओरछा नरेश छत्रसाल उपहार में झांसी दे दिया था। गणेश जी मराठों के परम पूज्य देवता के रूप में माने जाते हैं। यहाँ पूजा करने आई अरुणा कहती हैं, झांसी जिले में तो बहुत गणेश मंदिर है लेकिन सभी लोग सबसे पहले यहीं आते हैं।